नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस स्पॉट्स के इस नए लेक्चर में। इस नए लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके लिए जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं उनके बारे में कुछ बात करने वाले हैं। कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स मैं आपको करवाने वाला हूं, क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा है कि हर एग्जाम में एक ना एक दो क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिल ही जाएंगे। बस इस टॉपिक में समस्या एक ही होती है कि ब्रांड एम्बेसडर अभी तो हमें याद होता है, जब हम शुरू शुरू में पढ़ते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छे से तरीके से याद होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद हम भूल जाते हैं और जब भूल जाते हैं तो ऑप्शंस में गलती कर देते हैं। ठीक है, टॉपिक को शुरू करने से पहले, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हम लोगों ने अभी पढ़ाई कर ही रखी है, आप लोग बताएंगे मुझे एक इस क्वेश्चन का आंसर। ये है एक कोई पंकज त्रिपाठी, ठीक है, त्रिपाठी। चार ऑप्शंस देता हूं, आप बताइएगा ये किसके ब्रांड एम्बेसडर। बंधन बंधन बैंक, ठीक है, उज्जीवन क्या है, फिनो बैंक, और एक और कौन सा है, IDBI बैंक। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये पंकज त्रिपाठी है, कोई ब्रांड एम्बेसडर है, ये चार ऑप्शन दे दिए गए। अब इन चार ऑप्शंस को इतने पास पास के हैं कि आपको फिगर आउट करने में बहुत समस्या आने वाली है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। आगे अभी हम लोग देखेंगे कि इस लेक्चर के बाद हम लोगों को ब्रांड एम्बेसडर कितने अच्छे से बने हुए बनते हैं। और एक और बात, इस लेक्चर में जो हम लोगों ने ब्रांड एम्बेसडर कवर किए हुए वो अप्रोक्सीमेटली अगस्त 2021 से टिल नाउ के लिए, टिल नाउ, ठीक है, मोस्ट अपडेटेड लेक्चर है। कुछ लेक्चर्स में मैंने देखा कि लोगों ने गलतियां की हुई है, ब्रांड एम्बेसडर चेंज हो गए हैं लेकिन उन्होंने अपना अपडेट नहीं किया, हम लोग ऐसी गलतियां नहीं करें। चलिए ब्रांड एम्बेसडर की बात होगी, अभी ब्रांड एम्बेसडर की बात हुई, जब मैंने निकाला तो कुछ पता चला कि एम्बेसडर यानी कि राजदूत, इंडिया के कुछ राजदूत भी चेंज हुए, तो इंडिया के राजदूत चेंज हुए कहां के, इस्टोनिया, इस्टोनिया, इस्टोनिया एक कंट्री है। ये देखिए ये इस्टोनिया का मैप है, ये बाजू में रशिया है, ठीक है, ये लातविया है और ये वाला पूरा इस्टोनिया है। ब्रांड वो इस्टोनिया के जो है ब्रांड वो इस्टोनिया के एम्बेसडर बनाया गया है अजानीश कुमार को, अजानीश कुमार को, ठीक है। अब हम लोगों को याद करना है कि एस्टोनिया के जो एम्बेसडर है वो अजनीश कुमार रिसेंटली बनाए गए हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अजनीश का मीनिंग क्या होता है, अगर मैं देखूं अजनीश का मीनिंग होता है इंट्यूशन और आइडियल। एस्टोनिया था यहाँ पे रशिया के बाजू में था, मोदी जी को पहले से इंट्यूशन आ गया, मोदी जी को पहले से जानकारी आ गई कि रशिया में कुछ कुछ होने वाला है, तो उन्होंने वही जानकारी वाले अजनीश, इसका मतलब ही होता है इंट्यूशन, इनको भेज दिया कि एस्टोनिया के आप एम्बेसडर बन जाइए, ठीक है। अगला देखते हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है अक्षय कुमार जी को, ठीक है। अब ये अक्षय कुमार जी को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। अब उत्तराखंड से रिलेटेड हमारे पास एक आदमी आता है, कौन, बाबा रामदेव, इनका आश्रम वहीं पे उत्तराखंड में, और ये जो अक्षय कुमार जी हैं ये बाबा रामदेव का रोल करके एक मूवी करने वाले हैं, उतने से आपको काम हो जाएगा। अगला देखते हैं एमवे, एमवे, एमवे एक एफएमसीजी कंपनी है, एमवे एक एफएमसीजी कंपनी है जो कि बहुत ही अतरंगी किस्म के प्रोडक्ट बनाती है, मतलब टॉप फर्जी किस्म की कंपनी है, ऐसे अतरंगी किस्म के प्रोडक्ट बनाती है, तो क्या बताएं, वो क्या कहती है अमिताभ बच्चन जी को
अमिताभ बच्चन जी आप एमवे का ये च्यवनप्राश यूज करो, आपकी उम्र वापस से 20 साल हो जाएगी। ये बात तो फैक्ट है कि सभी ने एमवे का नाम सुना ही होगा। ये भी पता है कि अतरंगी प्रोडक्ट बनाती है। अब वो अतरंगी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कोई ऐसे आदमी को लोगी जिसको वो खुद लालच दे सके और जो लोगों को लालच दे। अमिताभ बच्चन एमवे काम खत्म। ठीक, पॉइंट डीसीएक्स, पॉइंट डीसीएक्स, पॉइंट डीसीएक्स का जो बनाया हुआ है ब्रांड एम्बेसडर, वो बनाया हुआ है आयुष्मान खुराना को। ये देखिए आयुष्मान खुराना, आयुष्मान खुराना के साथ क्या है कि उनकी बहुत रिसेंट में कोई खास मूवी आई नहीं है, बहुत रिसेंट में कोई खास मूवी आई नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं, पॉइंट डीसीएक्स पे बिटकॉइन खरीद के अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। वैसे भी आयुष्मान खुराना की जो एक रेप्यूटेशन की बात करी जाए, रेप्यूटेशन ना बिल्कुल एक कॉमन मैन यूथ की आपके और हमारे जैसी ही एक रेप्यूटेशन है। इस वजह से पॉइंट डीसीएक्स ने क्या किया कि एक सेम रेप्यूटेशन वाले बना दिया अपना ब्रांड एम्बेसडर। अगला देखो अमृतांजन हेल्थ केयर, अमृतांजन क्या करती है, अमृतांजन करती है बाम बनाती है। अमृतांजन के बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स आते हैं। तो अमृतांजन ये है बजरंग पुनिया और ये है पीराबाई छन्नू। पीराबाई छन्नू वेट लिफ्टर है, वजन उठाती है, पीठ में दर्द होने लगता है, बाम लगा लेती है किसका, अमृतांजन। ये बजरंग पुनिया है, लड़ाई बड़ाई करते रहते हैं, इनको जब चोट वोट लग जाती है अमृतांजन का बाम लगा लेंगे, पेन रिलीफ लगा लेंगे, काम हो जाएगा। ठीक, गुडविल एम्बेसडर फॉर द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए डेनियल ब्रूल, ये डेनियल ब्रूल साहब है, कोई चाचा जी है, इनको बनाया हुआ है गुडविल एम्बेसडर। अब एक बात समझो, इनका नाम एक ऐसा है कि गुडविल एम्बेसडर में कोई हम लोगों को आसपास का नाम आता तो हम लोगों को बहुत इजी रहता है उसको याद करने में, लेकिन ये डेनियल ब्रूल नाम आपको डेफिनेटली एग्जाम में याद नहीं रहेगा। अब देखो आप मेरे साथ, गुडविल एम्बेसडर की बात हो रही है, ठीक है, किस चीज के लिए बात हो रही है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम किस चीज के लिए, किस चीज के लिए काम करता है, भुखमरी के लिए काम करता है। ठीक है, लोगों को जिनको खाना नहीं मिल रहा है उनके लिए डोनेशन मांगता है, क्या मांगता है, दान मांगता है, किस चीज के लिए, लोगों को खाना खिलाने के लिए। नाम में ही है देखो दानियल, दानियल, काम खत्म। अगला, रशियन फिल्म फेस्टिवल में इंडिया की तरफ से जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो कौन थे, इम्तियाज अली। ठीक है, इम्तियाज अली, इम्तियाज अली, इम्तियाज अली, देखो फिल्म फेस्टिवल की बात हो रही है, इम्तियाज अली को सभी जानते हैं, इन्होंने मूवी बनाई है कौन सी, ये वाली डॉग स्टार। इसके साथ साथ एक और मूवी बनाई है जो कि मतलब बेसिकली इनके साथ, मतलब इनके साथ कौन है ये, इनके साथ इम्तियाज अली की बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, बहुत अच्छी मूवी बनाते हैं। एक तो कोई बनाई थी मटर गश्ती हुई सड़क पे, इस टाइप का कोई गाना, तो बहुत शानदार मूवी थी, देखना आपको। ठीक है, बेसिकली बात क्या है, फिल्म फेस्टिवल में भेजना था किसी को, तो भेजना था किसको, भेजे उसी आदमी को भेजो जिसकी शक्ल ही रशियन और जिसको रशियन भाषा भी समझ में आती है। अब इम्तियाज अली का बैकग्राउंड यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत इजीली, रशिया से बहुत पुराना ही जुड़ा हुआ है, इसलिए इम्तियाज अली को, और ऊपर से ये रॉक स्टार मूवी जो है, रॉक स्टार मूवी की बहुत कुछ शूटिंग यहाँ पे रशिया में हुई है, तो इसलिए इस वजह से इन लोगों ने इम्तियाज अली को भेज दिया रशिया। अब ये कंपनी है यूनिक्स, यूनिक्स कंपनी मुझे आज के पहले नहीं पता था कि क्या बनाती है, फिर बाद में पता चला कि यूनिक्स कंपनी ना मोबाइल के ईयरफोन्स वगैरह बनाती है, ईयरफोन्स। ठीक है, जो गाना वाना सुनने के लिए, ये मटर रेस्पी गाना मैं ये ईयरफोन पे सुनता हूँ, तो ये यूनिक्स कंपनी ईयरफोन बनाती है। अब गाना सुनने में तो जब ही मजा आता है जब बहुत तेज साउंड, मतलब बहुत तेज साउंड होनी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है, आप भी मानते होंगे। ठीक है, अब यूनिक्स कंपनी को बताना था कि हमारी साउंड कितनी तेज है,
उन्होंने क्या किया, जसप्रीत बुमराह को लिया। जसप्रीत बुमराह क्या कहते हैं, ये है जसप्रीत बुमराह, फास्ट बॉलर है, पेज बॉलर है, जितनी तेज इनकी बॉलिंग है उतनी ही तेज यूनिक्स की साउंड है। अगला लेजेंड्स लीग क्रिकेट वॉली वुमेन मैच ऑफिशियल टीम के ब्रांड एम्बेसडर झूलन गोस्वामी। ये झूलन गोस्वामी बहुत इजी इसलिए हो जाएगा हमारे पास क्योंकि झूलन गोस्वामी एक लेजेंड है, किसकी, क्रिकेट की, बहुत पुरानी और रिटायर हो चुकी है, इसलिए इनका नाम आ जाएगा। कुछ कुछ टीचर्स ने ये नहीं बताया कि अमिताभ बच्चन ये भी एक लेजेंड है, इनको लिया हुआ था इसी के लिए ब्रांड एम्बेसडर, बेसिकली इस चीज के ब्रांड एम्बेसडर दो, एक अमिताभ बच्चन दूसरी झूलन गोस्वामी, बहुत कम लोग आपको बता पाए। मोटो जीपी, मोटो जीपी, मोटो जीपी एक क्या है, मोटो ग्रैंड प्रिक्स, बाइक की रेसिंग होती है, हम लोगों ने कई बार कभी चैनल बदलते हुए देखा होगा बाइकें दौड़ती रहती है, रेसिंग हो रही है। अब ये देखो कि एक सिंगल मूवी ने इन भाई साहब का कैरियर बदल दिया, जीवन भर से मोटो जीपी के, कौन सी मूवी है, धूम, जिसने ना देखी हो वो चुल्लू भर पानी में डूब मरना, ठीक है। इस मूवी ने इन भाई साहब का कैरियर बदल दिया, जॉन अब्राहम जिंदगी भर से ये धूम मूवी की वजह से मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर। अगला वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम ऑफ उत्तर प्रदेश किसको बनाया है, कंगना दीदी को, कंगना रनावत। अब सुनो, आपके सामने आज एक प्रेडिक्शन करो, सोनिया गांधी के अगेंस्ट में मे भी हो सकता है कि अगले इलेक्शन में कंगना रनावत जी आपको मिले देखने के लिए। राहुल गांधी कहां से लड़े थे, अमेठी से, अमेठी से लड़े थे, राहुल गांधी को किसने हराया था, स्मृति ईरानी ने, बॉलीवुड पर्सनैलिटी ने, ठीक है। कंगना रनावत जी अब लड़ेंगी रायबरेली से सोनिया गांधी के अगेंस्ट में और हराएंगे, इसलिए इनको वन प्रोडक्ट वन स्कीम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बेसिकली ये स्कीम क्या बोलती है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक प्रोडक्ट की कुछ हम लोग स्पेशलिटी निकालते हैं और उसको वहां का बिजनेस बनाते हैं, ठीक है। रियलमी, रियलमी का ब्रांड एम्बेसडर केएल राहुल को, भाई एक बात तो फैक्ट है, मेरा भी फेवरेट क्रिकेटर केएल राहुल जब बैटिंग करने आता है ना तो किसी का प्रेशर नहीं, बिल्कुल रियलमी टाइप का है, कैसे कि आप केएल राहुल के ऊपर जो उसका परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल रियलिस्टिक होता है, आप थोड़ा सा अगर क्रिकेट देखते हैं तो आप शायद उसको बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाए। खादी एंड अदर हैंडीक्राफ्ट ऑफ बिहार, बिहार की बात हो रही है, मनोज तिवारी को बनाएंगे खादी के कपड़े, पहले जींस और जैकेट पहनते थे, आजकल खादी के कपड़े पहनने लगे तो ब्रांड एम्बेसडर। एडिडास स्टे इन प्ले कैंपेन, मीरा भाई चुन्नू क्या करती है, वेट लिफ्टिंग करती है, साथ में नीचे एडिडास के जूते भी पहनती, ठीक है। एमवे, एमवे का अभी एक ब्रांड एम्बेसडर मैंने किया याद कब आया था, सब लोग कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है। एमवे का ब्रांड एम्बेसडर अभी किया था हम लोगों ने क्या, अमिताभ बच्चन। दूसरी है मीरा भाई चुन्नू, भाई चमनप्रास खाओ और 500 किलो का वजन उठाओ, ये ऐसा बोला इनने एमवे वाला। अब चलो आप लोग मुझे एक दो क्वेश्चंस के आंसर दो। वन है यूनिक्स, ठीक है, दूसरा है रियल, तीसरा आप बोलिए पॉइंट डी सी एक्स, बस इतने तीन है। आई होप सबने आंसर लिख लिए होंगे या सबने रिकॉल कर लिए होंगे। यूनिक्स का और ब्रांड एम्बेसडर की बात करेंगे तो अब हम लोगों को यूनिक्स, यूनिक्स चीज का ब्रांड है, यूनिक्स बहुत अच्छी बात है, ईयरफोन का ब्रांड है, ईयरफोन में चाहिए तेज आवाज, तेज आवाज के लिए क्या करेंगे, बूम बूम बुमरा, ठीक। अगला रियलमी केएल राहुल,
कॉइन कॉइन्स कॉइन्स बिटकॉइन से कौन ट्रेडिंग कर रहा है, याद करो थोड़ा सा, अपने आप को दिमाग लगाओ। फलाना आयुष्मान पहले क्या करते थे, ये पहले विक्की डोनर में काम करते थे, अब उसके बाद यहाँ पे कॉइन डीसीएक्स कर रहा। माई इलेवन सर्किल बिल्कुल फर्जी वेबसाइट है, कोई भी गलती से भी इसको डाउनलोड करने की कोशिश मत कर ले, है ना, बहुत बेकार चीज है, कभी भी इन सब चीजों को छूना नहीं है आपको। माई इलेवन सर्किल ने मोहम्मद सिराज, एक फर्जी ने दूसरे फर्जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, एक ये तीसरे भी है वीवीएस लक्ष्मण, और चौथे हैं ये सौरभ गांगुली। देखो मतलब आप समझो कि जो ब्रांड है, ब्रांड की झलक उसके ब्रांड एम्बेसडर में दिखती है, ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर। अब बात करेंगे माई इलेवन साइकिल का ब्रांड एम्बेसडर, दिखेगा कहीं भाई ऑप्शन में चार लोग होंगे, अगर कहीं सचिन तेंदुलकर होगा तो भाई फर्जी आदमी तो नहीं है ना, तो आप वो नहीं मारोगे। वीवीएस लक्ष्मण, सौरभ गांगुली एंड मोहम्मद सिराज काम खत्म। न्यू वर्ल्ड डायग्नोस्टिक्स, मैंने क्या कहा था कि ब्रांड की झलक उसके ब्रांड एम्बेसडर में दिखती थी। अब ये न्यू वर्ल्ड डायग्नोस्टिक्स क्या है, न्यू वर्ल्ड डायग्नोस्टिक्स है एक वो कंपनी जो कि आपके बॉडी के वाइटल्स बताती है, वाइटल्स मीन्स टेस्ट वेस्ट करती है इस टाइप, और टेस्ट वेस्ट करने के बाद उनका रिपेयर वेयर भी करवाती है। अब ये देखो, ये है एम एस धोनी ने क्या किया इंडियन टीम के साथ, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे टेस्ट किए, और उसके बाद रिपेयर करके इंडियन टीम को टॉप पे ले आए। न्यू वर्ल्ड डायग्नोस्टिक्स, डायग्नोस्टिक्स की बात हो रही है, ठीक है। अब यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, गुडविल एम्बेसडर फॉर कल्चरल एंड क्रिएटिव आइडिया। अच्छा, एक फर्जी आदमी ये भी थे, रणवीर सिंह, ठीक है, इन्होंने किसको बनाया है, नाओमी कावासे, ये है नाओमी कावासे, यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर फॉर कल्चरल एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज। कल्चर और क्रिएटिविटी की बात हो रही है। अब कल्चर और क्रिएटिविटी में एक ऐसा आदमी चाहिए था जिसके नाम में ही क्रिएटिविटी हो। अब नाओमी कावासे के नाम में क्रिएटिविटी देखिए, नाओमी, पहला नाम पकड़ो, नाओ बोट, ठीक है, और कौवा से कौए जैसी बोट, क्रिएटिविटी कितनी शानदार। अब आप नाम सपने में भी नहीं भूलेंगे, रात में जब सोएंगे ना तो याद करिएगा, एक बार पूछिएगा अपने मन से कि कौन से ब्रांड का कौन एम्बेसडर है, आपको आंसर अपने आप मिलेगा। गुड डॉट्स, जनरली टीचर क्या कहते हैं, बोलते थे गुड डॉट्स था नीरज चोपड़ा को बनाया है, आप याद कर लो, आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी, मार्क्स तो आपको मिलने हैं, हमें थोड़ी मिलने हैं, हमने तो अपना व्यूज इकट्ठे कर लिए, बच्चों को उल्टू बना दिया, काम खत्म हो गया। मेरे साथ थोड़ा सा डिफरेंट है यार, बेसिकली क्या है कि एग्जाम्स आपके नहीं है, एग्जाम मेरा भी है, आपका एग्जाम जब तक कंप्लीट नहीं हो जाओ तब तक मेरा भी एक टेस्ट है कि मैं आपको कितने अच्छे से चीजें डिलीवर कर सकता हूँ। एनीवेज, गुड डॉट्स किस चीज की कंपनी है, ये गुड डॉट्स, ये वेजिटेरियन फूड बनाती है, पैकेज्ड वेजिटेरियन फूड्स की कंपनी, ठीक है। गुड डॉट, ये डॉट टाइप का देख रहे हो आप, ग्रीन डॉट होता है वेजिटेरियन फूड। इन्होंने किसको बनाया, नीरज चोपड़ा को क्यों बनाया, गुड डॉट्स का ये कहना है कि हेल्थ के लिए जरूरी नहीं है आप नॉनवेज लो, किसी भी चीज को अचीव करने के लिए नॉनवेज लेना जरूरी नहीं है। उन्होंने बताया कि देखिए नीरज चोपड़ा ने गुड डॉट्स का फूड खा के ये मेडल हासिल कर दिया, ठीक, क्लियर। अगला, आरबीआई ने पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन के लिए डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड्स बचाने के लिए किसको रखा, इसको नीरज चोपड़ा को, क्यों रखा नीरज चोपड़ा। आरबीआई का भी कहना है कि देखो फ्रॉड करने से कुछ नहीं होने वाला है, मेहनत करो, गोल्ड मेडल पाओ, सरकारी नौकरी। इसी टाइप से एक ये है बम बोले
नाम का गाना गाया हुआ है। इनका नाम है वायरस। आरबीआई ने वायरस नाम के ही ब्रांड एम्बेसडर को ले लिया बैंकिंग फ्रॉड बचाने के लिए। ये बात क्लियर। एडवेंचर टूरिज्म इन केरला, केरला की बात हो रही है, एडवेंचर की बात हो रही है, टूरिज्म की बात हो रही है। अब देखो, केरला और एडवेंचर और टूरिज्म की बात हो रही है, चकदे इंडिया एडवेंचर से हमें बहुत इजीली मिल जाएगा। पी आर श्रीजेश ये क्या थे? ये एक गोलकीपर थे इंडियन हॉकी टीम के। इसलिए एक तो एडवेंचरस ये काम हो गया और केरला के ब्रांड एम्बेसडर। अगला, उत्तराखंड में आर्ट टूरिज्म एंड कल्चर की बात करते हैं। उत्तराखंड आर्ट टूरिज्म और कल्चर, उत्तराखंड का प्लेन ब्रांड एम्बेसडर कौन था? प्लेन ब्रांड एम्बेसडर सर, उत्तराखंड का प्लेन ब्रांड एम्बेसडर रामदेव बाबा, नहीं रामदेव बाबा नहीं, अक्षय कुमार। ठीक है, पवनदीप राजन, पवनदीप राजन ये इंडियन आइडल के विनर हैं, इंडियन आइडल 12। ठीक है, पवनदीप राजन। अब देखो, उसको थोड़ा सा एक बार देखेंगे, किस बारे में बात करें? उत्तराखंड की आर्ट टूरिज्म और कल्चर के बारे में बात। ये गाना गा गा के है ना, टूरिज्म फैलाएंगे, कल्चर फैलाएंगे और आर्ट तो है ही गाना गा। ठीक, पहला चिल्ड्रेन फुटवेयर ब्रांड है प्लेटो। प्लेटो देखो, चिल्ड्रेन फुटवेयर ब्रांड है। अब उसके लिए हम लोगों को, चिल्ड्रेन खुद तो जाता नहीं है जूता खरीदने के लिए, उसके मम्मी पापा जाते हैं, तो एक ऐसा फिगर चाहिए था जो पापा का फिगर हो या कोच या गाइड का फिगर हो। उन्होंने किसको उठाया? राहुल द्रविड़। ये राहुल द्रविड़ को उठाया। अब आप देखिए, इंडियन टीम में सब आपके फ्रेंड दोस्त इस टाइप का लगेगा आपको, राहुल द्रविड़ ही एक ऐसे हैं जो चाचा पापा टाइप का फिगर देखते हैं, है ना। सबसे रिलायबल भी है, मिस्टर रिलायबल कहलाते थे। काम खत्म। प्लेटो का ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़, एक बार में याद होने वाली चीज। ये कैसी बात? राजकुमार राव हमारे फेवरेट एक्टर है, मेरे फेवरेट एक्टर है बेसिकली राजकुमार राव की। ये मूवी है शादी में जरूर जरूर आ, शादी में जरूर आ। इसमें ये इन दीदी से मिलने जाते हैं, तो इन दीदी से मिलने जाते हैं तो होता क्या है, इनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, ये कैशिफाई पे अपना मोबाइल ही बेच देते हैं। कैशिफाई बेसिकली एक साइट है जिसपे मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक्स आप अपने बेच सकते हो, घर बैठे आपको तुरंत कैश मिल जाता है। इन्होंने अपना मोबाइल बेचा और इन दीदी से मिलने चले गए। जब दीदी को पता चला कि इन्होंने मोबाइल बेच दिया है, तो दीदी ने भाग गई। अगला, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात। रानी रामपाल एंड स्मृति मंधाना। अब देखो, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक करता क्या? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक करता है जो बहुत छोटे छोटे सोशल हेल्प ग्रुप है, तो विलेज में SHG होते हैं, स्मॉल हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो वो क्या करते हैं, महिलाएं आपस में ग्रुप बनाती हैं और वो छोटी मोटी इंडस्ट्री चलाती है, और उनके लिए फाइनेंस कौन प्रोवाइड करता है? इक्विटाइज स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, तो उन्होंने फीमेल्स को ही अपना ब्रांड एम्बेसडर चुनना प्रेफर किया। अब फीमेल चुननी थी, अगर फीमेल सोचो, अब गांव की लेडीज हैं, गांव की लेडीज किस फीमेल को अपना आइडल मानेंगी? या तो किसी नेता को बना लो, तो नेता ब्रांड एम्बेसडर बन नहीं सकता है, या फिर किसी एक्टर को बना लो, फिल्म एक्टर, फिल्म एक्टर अगर बना लेंगे तो गांव की लेडीज को क्या मतलब फिल्म एक्ट्रेस। तो उन्होंने बनाया है इन दोनों, एक है रानी रामपाल और ये है रानी रामपाल और ये है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना फीमेल क्रिकेटर है। ये एक मैसेज दे रही है कि आप लोग गांव में भले ही रहती हो, लेकिन आप क्रिकेटर भी बन सकती हो और हॉकी भी खेल सकती हो। अगली बात, किनारा कैपिटल। किनारा कैपिटल रविंद्र जडेजा को बनाया है। ठीक है, ये रविंद्र जडेजा किनारा कैपिटल की टी शर्ट भी पहने हुए। अब देखो, किनारा कैपिटल रविंद्र जडेजा को क्यों बनाया? कंपनी ने सोचा कि हमारा जो नाम है ब्रांड एम्बेसडर, हमारा नाम सार्थक करना चाहिए। अब इसको किसी भी तरीके से देखो, MS धोनी के जाने के बाद रविंद्र जडेजा को किनारे कर दिए पूरी टीम से, ऐसे देख लो, या फिर रविंद्र जडेजा हमेशा स्लिप में खड़े होते हैं, किनारे में खड़े होते हैं कैच लेने के लिए, इसलिए किनारा कैपिटल रविंद्र जडेजा।
क्लियर। डिस्टीवी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है ऋषभ पंत, ठीक है, ऋषभ पंत। अब देखो जनरली छोटे बच्चे क्या होते हैं, आपने देखा होगा छोटे बच्चे क्या करते हैं कि जब भी कोई अच्छी डिश मिलती है ना उनको, तो वो उठाते हैं और अपने पैंट की जेब में रख लेते हैं। वैसे ही इन्होंने किया, डिश है, टीवी है, डिश देखेगा, डिश के साथ आपको पैंट दिखना चाहिए, ठीक है। अगला, इंडिया एम्बेसडर फॉर टू स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड कभी गए तो हो नहीं, मैं भी नहीं गया हूं, लेकिन मैं एक चीज इमेजिन जरूर करता हूँ कि जब मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगा तो वहां के बर्फ में भाई बैठ के भुट्टा खाने का जो मजा है ना, वो अनइमेजिनेबल है। मतलब सोच सकते हो भुट्टा ये इस टाइप का होता है, जो लोग भुट्टा नहीं जानते वो देख लें कि इस टाइप का भुट्टा होता है। तो किसको बनाया एम्बेसडर, संजय भुट्टाचार्य, संजय भुट्टाचार्य, काम खत्म हो गया। 50 ईयर सेलिब्रेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है संजय दत्त को, ये संजय दत्त जादू की छप्पी वाला। अब इनको क्यों बनाया, देखो अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश है चाइना की बाउंड्री, चाइना की जब बाउंड्री की बात कर रहे हैं तो चाइना वाले इंडिया में घुसवाते हैं। अब क्या करेंगे संजय दत्त, आके जादू की छप्पी देंगे और बोलेंगे कि भैया आप लोग दूर चले जाओ, ये वही है चाइना, जादू की छप्पी देके चाइना वालों को बाहर कर देंगे। GUVI वेब ऑफ वर्नेकुलर इम्प्रिंट्स, स्मृति मंधाना को बनाया गया, ठीक है। GUVI पहली बात कभी याद नहीं रहेगा, मेरी गारंटी है, डैम श्योर आप अपने किसी भी दोस्त से पूछ लेना GUVI का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, वो नाम आपको कभी नहीं बता पाएगा, वो बस ऐसे ही ऐसे बोलता रहेगा कि किसी को तो बनाया, किसी को तो बनाया, ऑप्शन आएगा तो पता चल जाएगा। आप देखिए GUVI जो है ये मोबाइल ऐप है, वो आपको कुछ कुछ चीजों की पढ़ाई करवाती है। अब वो पढ़ाई करवाती है तो वो क्या कहती है, आप मन लगा के पढ़ाई करना, हर बात में मन 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 मन, जब उनके आप ऐड देखोगे ना तो वो 25 बार अपने ऐड में मन बोलेंगे। मन क्यों बोलते हैं वो बताना चाहते हैं कि हमारी ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना है। अगला, ठीक, उत्तराखंड डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, पहली बात 35 आपके हो जाएंगे ये खत्म होने, उत्तराखंड डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब उत्तराखंड की बात हो रही है, उत्तराखंड के 2-3 एम्बेसडर तो हमने पढ़ी ली है, अब ये उत्तराखंड का एक डिपार्टमेंट है कौन सा, वुमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट। अब वुमेन एम्पावरमेंट में किसको कर सकते हैं, रानी रामपाल को कर सकते, तो रानी रामपाल तो उस दिन बिजी थी, तो उन्होंने क्या किया, वंदना कटारिया को किया। अब वुमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट और उत्तराखंड आ रहा है तो साथ में हम लोगों को वंदना आंसर आना चाहिए। अब वंदना कैसे आएगा, देखो उत्तराखंड है, उत्तराखंड की जहां जैसे ही बात आएगी तो आपके दिमाग में 3-4 लोग क्लिक कर जाएंगे, एक तो वो सिंगिंग वाला है, ठीक है, जो भी नाम है उसका, एक है अक्षय कुमार और एक ये तीसरा है वंदना। वंदना नाम कैसे क्लिक करें, आप एक बात बताओ वंदना में क्या होता है, वर्शिप है ना, हाथ जोड़ के भगवान के सामने नमस्ते करते हैं। अब आपने देखा होगा उत्तराखंड में जितने भी तीर्थ है, चाहे बद्रीनाथ हो चाहे हरिद्वार हो, वन्ना गाने आप लोग जाते ही हो ना, तो वन्ना पटारिया, फायर बोल्ट का विराट कोहली को अगर फायर बोल्ट का बनाया हुआ है ब्रांड एम्बेसडर, तो आप ये देखिए कि क्यों बनाया हुआ है। उसका ये कहना है कि फायर और बोल्ट जिसमें दोनों होगा हम उसको बनाएंगे, अगर विराट कोहली किसी बॉल को मार दे ढंग से तो बिल्कुल आग की तरह दौड़ती हुई जाती है, बिजली चमक जाती है ना, फायर बोल्ट। यहाँ पे होते हैं आपके 35 ब्रांड एम्बेसडर्स कंप्लीट। आई डोंट नो कि टाइम कितना हुआ है, लेकिन अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे पंकज त्रिपाठी के, पंकज त्रिपाठी वाली वेबसाइट, स्किप हो गई थी, पंकज त्रिपाठी को हम लोग बहुत इजीली जानते हैं कालीन भैया के नाम, ठीक है, कालीन भैया। अब ये कालीन भैया का क्या काम था, कालीन भैया क्या करते थे, एक्सटॉर्शन वसूलते थे, फीस वसूलते थे, रहने का आपसे
चंदा मांगते थे आपको, वो उनके कालीन भैया के शहर रहने में आपको चंदा देना होता था, ठीक है, फीस लेते थे, फीस लेते थे, फी नो फी नो फी नो फी नो या फिर ऐसे फेनु। पंकज त्रिपाठी कालीन भैया खत्म। पंकज त्रिपाठी का यह भी कहना है कि मैं एक आम आदमी किसान का बेटा हमेशा कहते हैं, और आपको उनकी पर्सनैलिटी से भी दिख जाएगा। तो कृषि नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। कालीन भैया भी क्या करते थे, खेती करते थे ना, अफीम की भूल गए क्या? इंडिया एम्बेसडर टू हंगरी, हंगरी की बात हो रही है, जब भूख लगती है तो क्या खाते हैं, पास्ता या फिर पराठा, पाथा सतपति, पाथा सतपति, ठीक है, क्लियर इतना। चल ये तो हो गए हम लोगों के ब्रांड एम्बेसडर कंप्लीट। अब मैं आपको आपकी एक्सरसाइज के लिए दो तीन क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा आपको कितने याद हैं कितने नहीं हैं। ये सात क्वेश्चन, सबसे पहले वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड, वेरी गुड। अब इसके बाद आप लिखिए यहाँ पे फायर वोल्ट का लिख दीजिए। अब आप लिखिए एक इक्विटास स्मॉल बैंक, इक्विटास स्मॉल बैंक के बाद आप लिख दीजिए अमृतांजन अंजन। इसके बाद आप लिख दीजिए अमृतांजन के बाद आई गैस, ठीक है, आप लिखेंगे एक बार कैशिफाई, फिर उसके बाद आप कौन सा लिख सकते हैं आई गैस, अब हम लोग कौन सा ब्रांड पकड़ लें, चलिए आप ये पांच ही कर दीजिए, काफी है आपको, इतने में क्लियर हो जाएगा कि आपको कितने अच्छे से याद है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स बहुत बचे हुए, ये टॉप मोस्ट थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ही 35, तो ये मैंने आपको अभी करवा दी। कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स और बचे हुए हैं, उसका लेक्चर मैं आपको अलग से सेपरेटली प्रोवाइड कर दूंगा, यू नो हाउ, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाजू में प्लेलिस्ट है पूरी करंट अफेयर्स की, वो जरूर देख लेना, ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।